नमस्कार दोस्तों, रिताज कुकिंग हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ स्टीम संदेश रेसिपी। इसके लिए मैंने 1 लीटर दूध को उबलने के लिए चढ़ा दिया है। अब इसी बीच में मैंने ले लिया 2 स्पून विनेगर के साथ 2 स्पून पानी मिला के छन्ना फाड़ने के लिए। आप इसी जगह पे नींबू का जूस भी ले सकते हो। अब दूध उबाल आ चुका है, इसमें डालना है विनेगर। विनेगर डाल के गैस को ऑफ कर देंगे। अब उसको छन्नी के मदद से छान लेंगे। छान के ठंडा होने के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब ये ठंडा हो चुका है, ये पानी को आप सब्जी या आटा गूंदने में भी यूज कर सकते हो। को स्मूथ करने के लिए मैंने जार पे ले लिया छेना आधा कप दूध के साथ 1 स्पून शुगर पाउडर डाल के अच्छी तरह से ग्राइंड कर देंगे। अब इसी बर्तन में मैंने पानी डाल के स्टील का स्टैंड दे के छोड़ देंगे पानी उबालने के लिए। अब ये जो छेना इसी तरह होना चाहिए। अब केक टिन में ब्रश के मदद से घी को अच्छी तरह से लगा देंगे। चारों तरफ लगा के ये छेना को डाल देंगे। डाल के केक टिन को टैप कर देंगे जैसे कि चारों तरफ ये फैल जाए। अब इसके ऊपर इलायची का पाउडर डाल देंगे। आप चाहे तो आप ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हो। 20 मिनट के लिए कुक होने के लिए छोड़ देंगे। अब 20 मिनट हो चुका है। अब चाकू के मदद से देखते हैं, ये चाकू में लगा नहीं है। अब निकाल देंगे। निकाल के ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद चाकू के मदद से उसको अलग कर देंगे, बाद में पलट देंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी चैनल में नई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्त को मेरी रेसिपी का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अब मैंने पलट दिया है। अब उसको काट देंगे। ये कितना स्पंजी हुआ है आप देख सकते हो। अब काट के उसको सर्व कर देंगे। आप इसी तरह बनाइए और खाइए, और कैसा लगा मुझे कमेंट करिए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए। आप देख सकते हो कितना स्पंजी है। फिर मैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ आपके साथ मिलूंगी। ओके बाय।